दुर्भाग्य की बात है कि इतने गंभीर विषय के ऊपर भी आज राजनीतिकरण की जा रही है। ये भारत की अस्मिता का सवाल है, ये भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ती हुई आज भारत की छवि है, इसके बारे में आज हमारे माननीय विदेश मंत्री ने जो स्पष्टीकरण किया, जो पूरे देश को अवगत कराया, मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाने नहीं चाहते और छुपाना चाहते? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। पर हम माननीय अध्यक्ष जी, हम नकारात्मक सोच के लोग नहीं हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि इनके जीवन में भी अंधेरा छपेगा, इनको भी रोशनी दिखेगी, सूरज उठेगा और इनके दिल के कलंक खत्म होगा। इनको भी एक विकसित समृद्ध भारत के लिए कमल खिलता दिखेगा। सर, काला कपड़ा काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोई हिंदुस्तानी के काले काम नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।